तहसील पुलिस ने दो तड़ीपार आरोपियों को गांजा बेचते हुए अग्रसेन चौक से रंगे हाथ गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक आरोपी तड़ीपार बताया जा रहा है तो वहीं दूसरा आरोपी उसका साथी बताया गया है। आरोपी रोहित उर्फ चिड़िया गांवकर 27 वर्षीय पिछले दो सालों से पांचपावली पुलिस स्टेशन से तड़ीपार बताया गया था तो वहीं दूसरा आरोपी तुषार संजय तोमसकर 23 वर्षीय दोनों ठक्कर ग्राम निवासी उसका साथी बताया जा रहा है। गौरतलब रहे कि आरोपी सरेआम त्यौहारी दिन में नागपुर शहर के बीचों बीच गांजा बेचने निकला था। तगड़ी पुलिस व्यवस्था बंदोबस्त होने के बावजूद बिना किसी खौफ के यह आरोपी अपनी वारदात को अंजाम दे रहा था कि तभी पुलिस ने भी जाल बिछाकर आरोपी को धर दबोचा है। फिलहाल पुलिस इससे और भी खुलासे कर रही है। रमजान महिना असल्या कारणाने डीबी पथकाची आणि अधिकाऱ्यांची पेट्रोलिंग सुरू असते मोमिनपुऱ्याला, एवी रात्री पेट्रोलिंग सुरू असते। तर पेट्रोलिंग दरम्यान डीबी पथकाला माहिती मिळाली की दोन व्यक्ती गांजा घेऊन अग्रसेन चौकात दवाई मार्केट या ठिकाणी येणार आहे। मिळालेल्या खबरीवरून सातारला डीबी पथकाने त्यावेळी दोन इसम, त्यातील एक नामे रोहित उर्फ अमोल ग्रावकर आणि दुसरा तुषार तोमसकर, दोन्ही राहणार ठक्कर ग्राम स्वीपर कॉलनी पोलीस स्टेशन पाचपावली, हे एका बाईकने तिथे आले होते आणि त्या बाईकमध्ये त्यांच्याकडे त्यांच्याजवळ एक पिशवी होती। त्या ब्राऊन रंगाच्या पिशवीमध्ये सुमारे 1600 ग्राम गांजा आढळून आला आणि अशावरून कारवाई करण्यात आली। ही वेळ आहे रात्री 2 वाजताची। यामधील जो ग्रावकर आहे हा पाचपावली हद्दीतून 2 वर्षाकरता तडीपार करण्यात आलेला आहे। दोघांवरही NDPSच्या Section 20 आणि 29 अन्वये कारवाई करण्यात आलेली आहे। दोघांना ताब्यात घेण्यात आलेलं आहे आणि यात 67,000 मुद्देमाल ताब्यात घेण्यात आलेला आहे। नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइक्रोटॉपिक सब्सटेंस को लेकर प्रतिबंध लगाए गए हैं, इसके बावजूद गांजा बिक्री नागपुर शहर में धड़ल्ले से चालू है। ये बात हम सभी को पता है कि गांजा रखने पर क्या सजा हो सकती है अथवा इसकी तस्करी करने पर किस तरह की सजा के प्रावधान है। इसके बावजूद आए दिन गांजा बिक्री के मामले शहर में बढ़ते ही जा रहे हैं, जो बेहद चौंकाने वाले हैं। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।